यूपी के हसनपुर की बात करते हैं, जहां पर उस वक्त एक हादसा हो गया जब टीन की दुकान पर टैंकर पलट गया। इस हादसे में दुकानदार की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर दुकानदार के शव को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरा नाम अशफाक अली है। अशफाक भाई, ये जो हादसा हुआ कैसे हुआ? ये ट्रक उधर से बहुत स्पीड से आ रहा था, सड़क पर दूर तक कोई भी आदमी नहीं था, वरना कई आदमी चपेट में आते। ये लड़का जैसे इधर से पानी लेकर गया और रोटी खाने के लिए बैठा ही था, एक दो निवाले खाए बेचारे, अचानक ट्रक पलटर को होया, फौरन इसके ऊपर चढ़ गया। क्या नाम है जो खत्म हुआ है? मनसुख। मनसुख, क्या नाम है? मेरा नाम यूसुफ है। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, मनसुख, कैसे कैसे हुआ है? ये गाड़ी आ रही थी जी रेरा की तरफ से, बहुत तेजी में गाड़ी थी, और जैसे वहाँ पर आने का उन्होंने आगे से कोई गाड़ी आई ब्रेक मारे तो गाड़ी दूसरी साइड पर जाकर खोखे के ऊपर पलट गई। ये खोखे के आगे बैठा था, अपना वही तब का खत्म हुआ। क्या करता है ये? मुर्गे का खोखा करा जी, मीट की दुकान। तो दब गया था क्या जी? दब गया था नीचे? हाँ, नीचे दब गया, अगले हिस्से के नीचे दब गया। जैसी भी दो जैसी भी लगी जब निकल गया। कितनी देर के बाद में निकले? कम से कम दो घंटे, तीन दो घंटे के बाद। बहुत देर तक ना पुलिस का नंबर लग पा रही है ना, बहुत देर, दो घंटे के बाद पहुँचे। एक ट्रक से, टैंकर से जो एक्सीडेंट हुआ, जो मरीज आया था वो अस्पताल पहुँचने तक अस्पताल में मौत हो चुकी थी उसकी, पहली बहुत डेड आया था, अभी चेक कर लिया गया है और उसको मृत घोषित कर दिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है।